हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि रेशम क्लासेस इग्नू। आज के वीडियो कोई नोटिफिकेशन पे नहीं है, ये वीडियो है आपको अलर्ट करने के लिए। 90% लोग इग्नू में यही शिकायत कहते हैं कि हमें इग्नू में कुछ समझ नहीं आता कि हमारी आईडी में हो क्या रहा है, हम कहाँ से कौन सी चीज़ें चेक करें, इनके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। 10 ऐसी गलतियाँ जो हर एक स्टूडेंट करता ही करता है और जिसे आप इग्नोर करके चलते हो। आप YouTube में काफ़ी वीडियोस देखते हो कि हमें इग्नू के बारे में सारी अपडेट मिल जाए, बट जो मोस्ट कॉमन चीज़ और जो फंडामेंटल चीज़ होती है ना, उसे आप ध्यान नहीं देते। जैसे कि कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जिसे अगर आप अच्छे से समझ जाओ तो आपको 100 वीडियोस देखने की ज़रूरत भी नहीं है और आपकी कोई भी चीज़ें यानी कि कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो इग्नू में सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होती हैं, आपको ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ आपको असाइनमेंट सबमिशंस के लिए, प्रोजेक्ट सबमिशंस के लिए एंड एग्जामिनेशंस के लिए आपको ऑफलाइन जाने की ज़रूरत होती है। हालांकि बात करें इग्नू में जो ऑनलाइन प्रोग्राम है उसमें आप ऑनलाइन एग्जामिनेशंस दे सकते हैं, ये भी फैसिलिटीज़ इग्नू में दी गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऑफलाइन आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इग्नू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है, ignu.ac.in है। हालांकि आप सब में से काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि ये वीडियो बोरिंग है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप इसमें कुछ देर और रुक गए तो, एंड डेफिनेटली आप लाइक करके ही जाओगे। बात करते हैं इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in है, इस पर आप कभी भी लॉगिन हो सकते हैं अपने किसी भी डिवाइस से, यानी कि कंप्यूटर या फिर आपके फ़ोन से, तो आप इस पर लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद जो है आपको सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाएगी। कुछ टैब आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे जिसमें से आपको एक स्टूडेंट सपोर्ट नज़र आ रहा होगा, उस पर आने के बाद आपको स्टूडेंट जोन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट जोन पे आते हो आपके पास बहुत सारी लिंक अवेलेबल होती है, इग्नू का ऐप भी है, और उसी के साथ साथ ही मैं आपको कहना चाहती हूँ सबसे पहले आप इग्नू का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फिर बार बार आपको ignu.ac.in पे लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली एक ऐप के थ्रू अपनी सारी चीज़ें अपडेट देख सकते हो। यहाँ पर मैं बात करती हूँ, आपको आना है सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आई होप सो, अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसे जूम इन कर देती हूँ। यहाँ पर आप अपनी सारी चीज़ें चेक कर सकते हो अपने एडमिशन स्टेटस। तो आप सब में से जो भी स्टूडेंट से देख रहे हैं, सबसे पहले आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए करना क्या पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें क्लिक किया, यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर प्लेस करना होता है, देन यू विल हैव टू एंटर सेलेक्ट योर प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम कोड क्या है ये आपको जानना जरूरी है। उसके साथ आपको यहाँ पे आपका कैप्चा फिल करना होगा, देन सिंपली सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आप आ जाते हैं अपने आईडी पे, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाती है इन्फॉर्मेशन, और यहीं पे आपको जांच करनी है ये 10 चीज़ें। सबसे पहले तो आप चेक कीजिए अपनी डिटेल्स, कई बार ऐसा होता है ना कि डिटेल्स काफ़ी गलत होती हैं और स्टूडेंट को इसके लिए फिर बाद में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि फिर आपके सर्टिफिकेट में वही सारी डिटेल आ जाती हैं जो कि गलत होती हैं। तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है अपना नाम, देन आपको प्रोग्राम चेक करना है, अपना मीडियम ज़रूर चेक करना है, ये मीडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्या है मीडियम, ये माध्यम है कि किस माध्यम से आप अपनी एग्जामिनेशंस को क्लियर करना चाहते हैं, अपने कोर्स को करना चाहते हैं। तो आपका कोर्स जो भी मीडियम आपको प्रेफर करता है वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये इंग्लिश मीडियम पे इन्होंने इंग्लिश चूज़ करा है। इनरोलमेंट नंबर अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यही आपका इनरोलमेंट नंबर है, इसी से आपकी सारी चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल है जिसे एडमिशन स्टेटस कहते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपने एडमिशन स्टेटस को ही चेक नहीं करते। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपने कौन से ईयर में एडमिशन लिया है, एंड जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी वैलिडेशन कब तक है। एडमिशन की जो वैलिडिटी है ना, काफ़ी स्टूडेंट इसके बारे में ध्यान ही नहीं देते कि हमारी वैलिडेशन कब ख़त्म हो रही है, और वो एग्जामिनेशन फॉर्म की वेट करते रहते हैं और एग्जामिनेशन फॉर्म सिलेक्ट ही नहीं हो पाता, सबमिट ही नहीं हो पाता, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको सिंपली यही क्राइटेरिया दी होती है कि स्टूडेंट अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने से पहले आप जो है अपनी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी ज़रूर चेक कर ले, अपने एग्जामिनेशन प्रोग्राम की वैलिडिटी चेक कर ले। तो अब आप समझें कि आप कौन सी दिक्कतों का सामना करने वाले थे, आप कितनी गलतियाँ करती हूँ। नेक्स्ट है अपनी गार्जियन का नाम चेक करना, जैसे फादर, हस्बैंड, मदर, जिनका भी नाम है उसे आपको चेक करना, देखना डेट ऑफ बर्थ एंड जी हाँ आपका एड्रेस डिटेल और आपकी सारी आईडी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको आना है जिसमें आपको चेक करना है नंबर 2, रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब ये क्या होता है, आपने कौन से सब्जेक्ट्स को चुना है अपने एग्जामिनेशन के लिए, वो तो आपको जाननी ज़रूरी है ना। कई बार आप एग्जामिनेशन फॉर्म में कुछ और सिलेक्ट कर रहे होते हो, आपको पता नहीं होता आप कुछ और चीज़ की पढ़ाई कर रहे होते हो, तो ये बहुत बड़ी आपके लिए एक ब्लंडर होने वाली है। तो
ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, तो लग रही है तो लाइक ज़रूर करो। यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये जनवरी 2022 में इस स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करा है, ठीक है, एक सेमेस्टर के लिए, और इसके बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा। दूसरी बात, आपको यह चूज़ करना है, देखना है कि हमारा इलेक्टिव और कंपलसरी कोर्सेज क्या है, उसके बारे में भी यह हाईलाइट होता है। कई बार आपको लगता है कि जस्ट ये एक आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ है कि सिंपली इसमें कलर कर दिया गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसे हाईलाइट किया गया है ब्लू एंड ग्रीन से, जो आपको ये नोटिफाई करता है, ये शो करता है कि ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन टैब पे आना है। इन्फॉर्मेशन टैब पे आपको कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी, एंड रिजल्ट वाला टैब काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिख रही होगी, जैसे ग्रेड कार्ड, टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट, स्टडी मटेरियल, डाउनलोड, हॉल टिकट, एडमिशन स्टेटस, एंड हाँ, आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन का स्टेटस भी आपको इसमें दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से चेक करनी है कि आखिर हमारा स्टेटस अपडेट हुआ है कि नहीं। जैसे कि मैं बात करती हूँ, ये है ग्रेड कार्ड। ग्रेड कार्ड देखने से आपको ये पता चलता है कि हम किस में फेल हुए, किस में पास हुए, हमारा कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कंप्लीटेड किस चीज़ में है, नॉट कंप्लीटेड कौन सी चीज़ों में है। यहाँ से आप अपने मार्क्स भी ज़रूर चेक कीजिए कि हम पास हुए या फिर फेल, या हमें फिर से री इवेल्यूएशन या फिर एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत है। एक चीज़ आप ज़रूर मिस्टेक करते हो, कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमारा स्टेटस अपडेट क्यों नहीं हुआ, स्टेटस की लिस्ट क्यों नहीं आई। तो असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क का जो लिस्ट होता है ना, वो अपडेट होता है आपके आईडी में। आप अपनी आईडी में जाके चेक कीजिए। जैसे कि इस स्टूडेंट ने यहाँ पे जून 2022 के लिए एक असाइनमेंट सबमिट करा, जिसे रिसीव एंड प्रोसेस कर लिया गया है, ठीक है। तो रिसीव एंड प्रोसेस का 19 सितंबर 2022 को हुआ, यानी कि इसके मार्क्स अब अपडेट होंगे, अब वो अपडेट होकर आपके ग्रेड कार्ड में चले जाएंगे। तो इसके बाद आप इसे चेक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, कि जैसे ही आप ग्रेड कार्ड चेक करते हैं, आपको ये पता चल जाता है कि हमारा ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो गया, तो आप नेक्स्ट कन्वोकेशन यानी कि आपके फाइनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिलहाल फाइनल सर्टिफिकेट के लिए जो कन्वोकेशन होता है, दीक्षांत समारोह होता है, वो 2023 के जनवरी फरवरी में होने वाला है, बट उसके लिए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं स्टार्ट, तो आप इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे अपनी आईडी पे चेक करने के बाद आप यहाँ से अपनी आईडी कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं, असाइनमेंट के सबमिशन पेपर को भी जमा कर डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं, अगर आपको कुछ चेंजेस करवानी होती हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को चेंज कराते हैं, जैसे आपका एड्रेस या कुछ भी चेंज कराते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बार पे यानी इस साइड पे रिक्वेस्ट मेड पे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें हाईलाइटेड होती नज़र आएगी, शो होगा नोटिफिकेशन। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको करनी थी, जाननी थी। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर आप सबका ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो चुका है, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो आप देरी ना करते हुए अपने कन्वोकेशन यानी फाइनल सर्टिफिकेट्स को ले लें और उसके साथ अपने कोर्स को कंप्लीट करें। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में आप भी बने रहेंगे, रेशम क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, जो कि इग्नू का बेस्ट चैनल है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।